बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में क्या होता है, फंक्शनिंग होती है किडनी की। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज़ एफिशिएंटली मॉनिटर्ड और रेगुलेटेड बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू जो है फंक्शनिंग होती है किडनी की, मॉनिटर होती है और रेगुलेट होती है। और जिसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाइपोथैलेमस जक्स्टा ग्लोमुलर अपेरेटस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हार्मोन जो है लीड्स हार्मोन ADH, जिसको हम एंटी डिंड्रेटिक हार्मोन बोलते हैं, वो क्या होता है, लीड्स करता है हाइपोथैलेमस, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और ये वैसोप्रेसिन जो है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर होता है, और फिर ADH स्टोर होता है, देन ये स्टिमुलेट होता है द TCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल टू रीअब्सॉर्ब पानी, मतलब वाटर। और इससे क्या होता है कि जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो मेन क्या है, मेन मैं आपको यही बताना था कि फंक्शनिंग जो है किडनी की वो एफिशिएंटली मॉनिटर और रेगुलेट की जाती है बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। ओस्मोरिसेप्टर क्या होता है, जो डिटेक्ट करता है फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, उसको हम ओस्मोरिसेप्टर बोलते हैं। तो ओस्मोरिसेप्टर इन बॉडी में जो ओस्मोरिसेप्टर है वो क्या करते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं। किस वजह से, अगर ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज आया है तो ओस्मोरिसेप्टर मतलब डिटेक्ट फ्लूड जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर बॉडी फ्लूड के वॉल्यूम में चेंज आया, आयनिक कंसेंट्रेशन में चेंज आया, तो ये क्या होंगे, ओस्मोरिसेप्टर जो है एक्टिवेट होंगे। तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है फ्लूड का बॉडी से, तो क्या होगा, ये जो ओस्मोरिसेप्टर है वो एक्टिव हो सकते हैं और जो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को, बनाएंगे और रिलीज करेंगे ADH को। ADH क्या था, एंटी यूरेटिक हार्मोन, उसको रिलीज करेंगे, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। किससे, न्यूरो हाइपोफाइसिस में होता है ये हार्मोन, वहाँ पे स्टोर होता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या होगा, रिलीज होगा ADH वैसोप्रेसिन फ्रॉम अ न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है ये, अगर क्या होगा, एक्सेसिव लॉस होगा फ्लूड का फ्रॉम द बॉडी, तो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो एक रास मैकेनिज्म जिसमें रेनिन एंजिनोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म नाम है इसका, रास जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजिनोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, किडनी से जेजी सेल, देन रेनिन उससे क्या होगा, रेनिन से क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 प्रिकर्सर प्रोटीन, देन एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव प्रोटीन, और फिर एंजियोटेंसिन 2 से क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन की तरह, जिसमें BP बढ़ता है। और फिर उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन, जो स्टिमुलेट करेगा DCT को और रीअब्सॉर्ब करेगा सोडियम आयन और पानी को, BP हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और स्टिमुलेट पोस्टेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ADH और वैसोप्रेसिन, जिससे स्टिमुलेट होगा DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल और रीअब्सॉर्ब होगा पानी। तो इससे भी क्या होगा, BP बढ़ेगा, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये मैंने ऐसे फ्लो चार्ट में आपको बता दिया कि हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं बाय लीवर, एंजियोटेंसिनोजन जो है इनएक्टिव प्रोटीन है ब्लड में ये, और जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 ये क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं लंग्स में ACE, जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग होता है एंजाइम, है ना, ये सारा बताया।